वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप जीवन में जो चाहते थे वह चीज आपको कल से मिलने वाला है। दोस्तों, वह समय जिसका आपको बेशक इंतजार था। कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर संकट आप सभी के जीवन काल में कल से आने वाला है। यह वीडियो नहीं, ब्रह्मा का दिया हुआ एक ऐसा सफलता की चाबी जो आप सभी के जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रखने की। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार पर तुरंत ही प्राप्त होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, इस एक चीज के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत गहराई से और विस्तार से वर्णन मिलता है और यह माता दुर्गा और मां बगलामुखी का एक बेहद ही शक्तिशाली आंशिक स्वरूप है। अगर आप इसे हर वक्त अपने पास रखेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मनोकामना भी आपकी छुटकियों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, याद रखना कि इंसान के बस में भले ही बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन देवी देवताओं के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि वे आपके ऊपर कृपा करने पर आ जाएं, तो आपको वह सब कुछ भी दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अब दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा आपके ऊपर पूरे सितंबर के महीने में रहेगी और ग्रहों की बदलती चाल का भी आपको सीधा फायदा होगा। यदि आप इस एक चीज को हर वक्त अपने पास रखेंगे तो जयरा बोलो माता रानी का जगत माई महामई मां, दुर्गा की जय बोलो माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। प्यारे दोस्तों, कैसा हो कि आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता दिया जाए जिसका वैदिक और शास्त्रीय महत्व तो बहुत अधिक है ही, विशेष देवीय शक्तियां भी इस एक चीज से आकर्षित होती हैं और जो इस एक चीज को धारण करके रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी करने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस समय बहुत सारी उलझनों के साथ चल रही हैं, आपके दिमाग में कई सारी बातें घूमती रहती हैं। एक तरफ तो परेशानियां हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, किसी के जीवन में काम धंधे व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं, कोई अपने रिश्ते नातों को लेकर बहुत दुखी है और किसी के जीवन में पैसे की तंगी चल रही है और कर्जे ने भी उनकी कमर तोड़ कर रखी है, और कुछ हैं जो बीमारियों से परेशान हैं। एक के बाद एक बीमारियों का जो सिलसिला चल रहा है वह टूट ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के अब भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि आप अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आप पूरा जोर लगा रहे हैं जहां से जो भी आप कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की मेहनत हो, किसी से भी मिलकर अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो, कोई देवीय उपाय हो, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन इस समय में कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे पा रही है और इसी के साथ साथ बंधुओं एक विशेष प्रकार की समस्या और है जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हम देख रहे हैं कि चल रही है, और वह समस्या है नकारात्मक ऊर्जा हो कि यानी कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर और कई प्रकार की तांत्रिक विद्याओं तो पीछा कर ही रही हैं। किसी किसी को हर बार लगने वाली नजर और काली दृष्टि ने भी परेशान कर रखा है। आप लोग एक हाथ अपने जीवन में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 10 हाथ वह टूट जाता है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब आपको एक ऐसी चीज की आवश्यकता है, या यूं कहे कि एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया की आवश्यकता है जिससे आपकी हर एक समस्या का समाधान एक बार में ही हो जाए। अब यह कैसे हो सकता है? आपके मन में यह तो प्रश्न उठ रहा होगा कि भला इस एक चीज में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि यह आपकी हर समस्या का समाधान तो करेगा ही, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करवा देगा। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन में चाहे परेशानियां कैसी भी हों, उनके रूप रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन उन परेशानियों के पैदा होने का कारण केवल एक ही होता है और वह है नकारात्मक ऊर्जा। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नीच दुष्ट और पिशाची ऊर्जा यदि आपके आसपास घूम रही हैं, तो वे आपको किसी न किसी रूप में परेशान हर वक्त करती ही रहेगी। अब जो भी आपकी कमजोरी होगी उसी पर वे हावी हो जाएंगी।
यदि किसी के घर में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर है तो वह लगातार बीमार रहने लगेगा। किसी का यदि काम धंधे व्यापार में थोड़ी सी हालत खराब है तो वह और बुरी हालत में पहुंच जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इन परेशानियों को देखने में ऐसा लगता है कि यह अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, अलग अलग कारणों से पैदा हो रही हैं, लेकिन मूल में जाएंगे तो कारण एक ही है। तो जब हर एक समस्या का कारण एक हो सकता है तो इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए क्रिया उपाय भी एक हो सकती है। अब वह क्रिया या उपाय एक कैसे होगा इसे भी आप समझ लीजिए, वरना आप कहेंगे कि गुरुजी आधी अधूरी बात समझाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, नकारात्मक ऊर्जा की काट है। नकारात्मक ऊर्जा तो सबसे पहला कार्य यह है कि इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर हटाया जाए। जब आप हटाएंगे तो आपके आसपास अपने आप एक वैक्यूम, एक खाली जगह तैयार होगी, और फिर कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं करेंगे जिससे कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम माता बगलामुखी और माँ दुर्गा की ऊर्जाएं कहते हैं, आपकी ओर आकर्षित होंगी। याद रखना कि इस ब्रह्मांड की चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, माता दुर्गा और माँ मुखी के सामने टिक ही नहीं सकती हैं। सबसे बड़ी काट है ये माता शक्ति की शुद्ध स्वरूप है और उन्हीं की 10 विद्याओं में शामिल है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो माता शक्ति का स्वरूप होगा उसके सामने भला नकारात्मक ऊर्जाएं कैसे टिक सकती हैं। तो आज हम आपके घर में, आपके जीवन में इन्हीं 2 विशेष महाशक्तिशाली ऊर्जांचल, हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझ लिया, और जिस प्रकार हमने आपको क्रियाओं को समझा रहे हैं उसी प्रकार से इन क्रियाओं को अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आपके जीवन की क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में देखते देखते ही आपकी वह गायब हो जाएगी। और यह हमारा खुद का अपने जीवन भर का अनुभव भी है, और हमने इसे हजारों लोगों पर आजमाया भी है, तो इसकी प्रामाणिकता की तो कोई बात ही नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब यदि आपको सचमुच में अपने जीवन की परेशानियों का अंत करवाना है, इनसे मुक्त होना है और एक शांति और सुकून भरा जीवन जीना है जिसमें कि प्रेम की गंगा बहती हो और कोई दुख तकलीफ ना हो, परेशानियां जरूर हो लेकिन दुख ना हो। बंधु परेशान होने में और दुखी होने में बहुत अंतर होता है। परेशान तो छुटपुट समस्याओं से लोग होते ही रहते हैं, परेशानियों से छुटकारा तो जीवन भर नहीं मिल सकता, कोई दिलवा ही नहीं सकता है। भगवान भी इस संसार में आए तो परेशान हुए, लेकिन जो दुख होते हैं वे इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और जरूरत है तो इन्हीं दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की। तो आज के इस कार्यक्रम को देखने वाले को निश्चित तौर पर अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी और हर एक सुख उसे प्राप्त होगा ही होगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जी हां बंधुओं, तो अब आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ मेहनत करके अपने जीवन में उतारना है, तभी कुछ होगा। ताली 2 हाथों से ही बजती है, खाली हम ही मेहनत करते रहे, आपको विशेष से विशेष ज्ञान देते रहे और आप कुछ भी ना करें, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम तो प्यारे दोस्तों सत्य कहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है तो तारीफ करते हैं, गुरुजी आपने अच्छा बताया, और कुछ लोगों को कड़वा लग जाता है तो कह देते हैं कि गुरुजी आप तो पता नहीं क्या बातें कहते हैं, हमें तो समझ नहीं आती हैं, आपकी बातें कोई बात नहीं है। यदि आपको हमारी बातें समझ नहीं आती हैं या आपको सच्चा और शुद्ध सकारात्मक पवित्र ज्ञान नहीं लेना है तो आप इस की समय इस कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं, हमें कोई दुख नहीं होगा। हम तो वैसे भी माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की शरण में हैं, और हम जानते हैं कि जिसको सचमुच में माता रानी की शक्ति पर विश्वास होगा, अपने धर्म, अपनी आस्था पर, अपने भगवान पर भरोसा होगा, अपने हृदय में छुपी हुई अच्छाई पर भरोसा होगा, वह तो टिकेगा। बाकी आप कहीं और जाइए, कोई और टाइम पास का तरीका ढूंढ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। हाँ, आज हम थोड़ा सा कठोरता से अवश्य से कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही बेसिर पैर के कमेंट करते हैं और बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से इन बातों को लेते हैं। जानते तो कुछ भी नहीं है लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे महाज्ञानी हैं, बहुत कुछ सिद्धियां करके बैठे हुए हैं।
और इन्हीं मूर्खों की ऐसी बिना सिर पैर के कमेंट देखकर, इनकी बातें सुनकर हमारा मन बेचैन हो उठता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही वह लोग हैं जो समाज में घोर नकारात्मकता को फैलाने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरों को नजर लगा गाना, दूसरों की कामयाब हो से चलना, किसी की खुशी को देखकर दुखी हो जाना और जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, यह ऐसे लोगों के गुण होते हैं। खैर, जो भी है, माता रानी खुद ही देख लेंगी, ईश्वर इनका खुद ही न्याय कर लेंगे, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको आज जीवन को बदल देने वाला एक महाज्ञान देते हैं, जो हमारे खुद के व्यक्तिगत अनुभवों और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित है। लेकिन इससे पहले हम चाहे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां दुर्गा कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करें, हमें पूरा विश्वास है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे, फिर माता रानी खुद ही देख लेंगी आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों का ख्याल तो माता रानी रखेंगी ही अवश्य ही। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको एक और विशेष सूचना दे दें कि अब माता रानी के आदेश से सर्व मनोकामना पूर्ति हवन फिर से प्रारंभ होने वाला है। तो माता रानी के आदेश के अनुसार इस हवन का शुभारंभ भद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी भी है, यानी 7 सितंबर को यह सर्व मनोकामना पूर्ति हवन प्रारंभ होगा। उसके बाद प्रति शनिवार इस हवन का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार जब यह हवन करवाया गया था, लगभग 3-4 महीनों के लिए यह कार्यक्रम चला था, जिसमें कि लाखों लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करवाई थी और उसके बाद माता रानी का लाख लाख धन्यवाद भेजा भी था। कमेंट करके इस बार फिर से माता रानी ने आदेश किया है, तो अब यह कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब इस कार्यक्रम में आप कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसके बारे में हम अपने आने वाले ज्योतिष कार्यक्रमों में बताएंगे विस्तार से सारी जानकारी। अभी तो हमने केवल आपको यह सूचना मात्र दी है, तो अब आप तैयारी करके रखिए, इस सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपको भाग लेना है और सीधे माता रानी के धाम से, माता रानी की कृपा से जुड़ जाना है और जीवन भर के लिए कष्ट परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हुए एक स्वर्गम जीवन का आनंद लीजिए। तो चलिए अब अपने मूल विषय पर वापस आते हैं और आपको उस एक चीज के बारे में बताते हैं जो आपकी हर एक समस्या का समाधान है। माता रानी की दिव्य कृपा सीधे आपके साथ हर वक्त 2400 घंटे चलेगी और आपकी रक्षा करेगी। तो प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, आपका जो घर है वह असल में कई दिव्य शक्तियों का, कई नकारात्मक ऊर्जाओं का भी घर है। अब आपके घर में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के अलावा भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास करती हैं। अब शास्त्रों की माने तो किसी भी इंसान के घर में 45 देवी देवताओं का तो मूल रूप से वास होता ही है, फिर उसके बाद उनके आराध्य देव हो जाते हैं और उनके कुल खानदान में पूज जाने वाले कई अन्य प्रकार के देवी देवता होते हैं, क्योंकि कुल खानदान बहुत बड़ा होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं। तो यह रक्षा कवच आपके ऊपर भी आता ही है। कहने का मतलब यह है कि कई दिव्य शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास करती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी एक शक्ति होती है, जो आपके घर पर पूरी तरह से कब्जा करके बैठी रहती है, अब वह शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है, यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में 2-3 लोग हैं और सभी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा अजीबोगरीब चल रहा है कि ना तो कोई पवित्र कार्य घर में हो पा रहा है, यानी छोटी से छोटी पूजा पाठ भी घर में नहीं हो पाती है। दूसरा कि पैसा जैसे भी आता है वैसे ही चला जाता है, यानी कि बिल्कुल भी एक पैसा भी घर में रुक नहीं पाता, जरूरी खर्चे ज्यों के त्यों बने रहते हैं और अनाप सनाप लजलूल जगहों पर पैसा खर्चा हो जाता है, और साथ ही साथ घर में भी बीमारियां और तमाम तरीके की परेशानियां, कर्जा वगैरह भी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? किस कर्म की हमें सजा मिल रही है?
क्यों हम इतने परेशान चल रहे हैं और घर में बात बात में जरा जरा सी बातों पर झगड़े होते रहते हैं। सो अलग, अब यह समस्या देखने में एक लग रही है लेकिन कई तरह से इंसान को प्रताड़ित करती है, पीड़ित करती है। तो अब यहां पर यह है कि निश्चित तौर पर यदि गहराई से आकलन किया जाए तो उस इंसान के घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसने पूरी तरह से घर को कब्जे में ले रखा है और वह कुछ भी शुभ उस इंसान के जीवन में होने नहीं दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान की ऊर्जा ही सबसे शक्तिशाली होती है, भूत प्रेत पिशाच की ऊर्जाएं भी बहुत शक्तिशाली होती हैं और यह भगवान की कृपा और ऊर्जा को भी रोकने की क्षमता रखती है। अब सुनने में शायद यह आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान की ऊर्जा वैसे तो बहुत शक्तिशाली है लेकिन किसी स्थान विशेष पर रहेगी या नहीं रहेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान विशेष पर किस प्रकार की ऊर्जा वास कर रही है। अब आप इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि नदी में कितना पानी होता है, नदी का कितना बड़ा प्रवाह होता है, लेकिन यदि नदी पर एक बांध लगा दिया जाए और फिर नदी के उस बांध में से कितना पानी बाहर निकालना है यह इस बांध पर निर्भर करता है। वैसे देखने में तो यह लगता है कि नदी कितनी शक्तिशाली है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बांध लगाकर इसकी ऊर्जा को भी रोक दिया जाता है और फिर एक नियंत्रित गति से पानी को बाहर निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, यह महाशक्तिशाली है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई बंधन हो जाता है, कोई बांध लग जाता है जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और भगवान की ऊर्जा रुक जाती है, अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि गुरुजी हर वक्त ऊर्जांचल में नहीं आता है, हम क्या करें, कैसे करें, ये कैसे पता चले। तो अब ऊर्जाओं के बारे में हम आपको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देते हैं। सारा खेल इस संसार में ऊर्जाओं का ही है। जैसे कि आपका एक मोबाइल फोन है, आपके पास रखा है, अब वह देखने में निर्जीव लग रहा है लेकिन जैसे ही कोई आपको फोन लगाएगा वह तुरंत अचानक बज उठेगा। क्यों बजेगा? क्योंकि वह मोबाइल एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित होगा और तुरंत जीवंत हो उठेगा। अब वह ऊर्जा आपको तो नहीं दिखाई दे रही लेकिन वह मोबाइल को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आप मोबाइल में कोई ज्योतिष कार्यक्रम देख रहे हैं तो कोई तार तो जुड़ा नहीं है, तो ऊर्जा के माध्यम से ही तो आ रहा है। अब ऊर्जा हो का जब इतना प्रभाव चीजों पर रह सकता है तो इंसानों पर क्यों नहीं रहेगा? इंसान तो खुद भी ऊर्जा स्वरूप ही होते हैं। आपके अंदर रह रही आत्मा क्या है? एक ऊर्जा का ही तो स्वरूप है। कोई आत्मा को देख सकता है क्या? ना आत्मा आते हुए दिखती है ना जाते हुए दिखती है, क्योंकि वह शुद्ध ऊर्जा है। इसीलिए जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको अलग तरीके के अनुभव होते हैं, जब आप किसी शमशान घाट में जाते हैं तो आपको अलग तरह के अनुभव होते हैं। जिसके यहां मृत्यु हो जाती है, कोई गमी हो जाती है, वहां जाते हैं तो अलग तरीके के अनुभव होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों स्थानों की ऊर्जा एकदम विपरीत है, अलग अलग है, तो आपके अनुभव भी एकदम विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊर्जा हो का कितना बड़ा प्रभाव रहता है इंसान के जीवन पर। अब जो भी इंसान इन ऊर्जाओं को संतुलित कर लेता है किसी पूजा पाठ के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से या फिर किसी गुरु की कृपा के माध्यम से, तो उस इंसान के जीवन में फिर गलत घटनाएं नहीं होती हैं। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपने देखा होगा इसीलिए बहुत सारे लोग अष्ट धातु का चूड़ा पहने रहते हैं, अंगूठी पहन के रखते हैं या फिर कोई विशेष नग धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, कोई लॉकेट ताबीज। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब ऊर्जांचल बनाने के लिए ही तो है। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया है कि सारा खेल ऊर्जाओं का है और इन ऊर्जांचल करना है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो आर्ष मुनि हुआ करते थे वे वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा को अलग अलग नाम दे दिए। कोई भोले बाबा की ऊर्जा है, कोई हनुमान जी की ऊर्जा है, और किसी ऊर्जा को नाम शक्ति का दे दिया, किसी को माता काली और किसी को माँ बगलामुखी। अब इससे सुविधा यह हो जाती होती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है
और उसको उसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत जरूरी है जानना, जो इन बारीकियों को समझते हैं वे ही जीवन में मनचाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूछते हैं। तो आप ऐसे पूछते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, पूरी केवल उनकी होती हैं जिनके तरीके बिल्कुल सही हैं। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे लोग संसार में देखे हैं जो कि अपनी तकलीफ बताते हैं, कहते हैं हम तो जीवन भर हो गया भोले बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब जीवन में बांध लगा है ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, और नकारात्मक ऊर्जा से जीवन चल रहा है तो दुख तो रहेंगे ही, भगवान इसमें क्या कर लेंगे, आपने तो काम किया ही नहीं। कुछ यहां से आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण से और समझिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, तभी भगवान आपकी सहायता के लिए आएंगे, यानी कि कोई भी देवी शक्ति आपकी सहायता के लिए आएगी, आपको उसे बुलाना पड़ेगा, आपको उस तक जाना पड़ेगा। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे और खूब जानते थे। भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी अपनी जीवन को तकलीफ बिता रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे उन्होंने अपनी कृपा का भंडार खोल दिया और उन्हें राजाओं जैसा जीवन दे दिया। केवल 3 मुट्ठी चावल के बदले में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुदामा जी ने प्रयास किया। यह कहानी हमें दिखा रही है कि मानव को पहले प्रयास करना पड़ेगा, तब भगवान आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं आपके मूल विषय की। हम यहां पर बात कर रहे हैं माता बगलामुखी की। मां बगलामुखी एक ऐसी दिव्य शक्ति श हैं जो माता शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, और उनकी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माता बगलामुखी का विशेष तौर पर पूजन इसीलिए किया जाता है कि जब लोगों को तकलीफों से मुक्ति चाहिए, यानी कि एक के बाद एक परेशानियां जीवन में है, हर काम में रुकावट है, पैसे की आवक नहीं है, कर्जे से परेशान है, कोई भी तकलीफ है, सब तकलीफों का कारण नकारात्मक ऊर्जा है, और इस नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी काट है माता बगलामुखी। हमने ने पिछले कार्यक्रम में भी माता बगलामुखी के बारे में आपको बताया है कि हर प्रकार के बंधन को काटने की शक्ति है माता बगलामुखी। तो माता बगलामुखी की साधना आपको करनी ही होगी। अब कैसे करेंगे आप, यह तो इसे आप ध्यान से समझिए। आपको बाजार से माता बगलामुखी की एक छोटी सी तस्वीर, कोई फोटो अपने घर लेकर आनी है। इसी के साथ साथ आपको एक भोजपत्र, एक कागज आता है, एक अष्टगंध की स्याही और एक अनार की कलम, यह सामग्री लेकर आनी है। शनिवार के दिन आप इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे। आपके घर में यदि माता बगलामुखी की तस्वीर या फोटो है और उसका पूजन होता है नित्य, तो आप फोटो को ना लेकर आए, इस सामग्री को अकेला लेकर आए। लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि आपके घर में माता बगलामुखी की पूजा तो होती है, लेकिन क्या माता रानी आपके घर में रहती भी हैं? इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता किसी गलती की वजह से हमारे घर को छोड़कर चले जाती हैं, फिर उनकी केवल फोटो या मूर्ति रखी रह जाती है और हम निरंतर उनकी पूजा करते हैं और हमें लगता है कि वे हमारा कार्य सिद्ध कर रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप अपने जीवन में इनका आकलन करके देखना। हमने तो अपनी साधना के माध्यम से इन सब बातों को समझा है और यह हमारे जीवन का अनुभव है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब आपके जीवन में माता बगलामुखी हैं या उनकी कृपा है, इससे जानने का क्या तरीका है, हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। आप माता की फोटो लेकर आइए, शनिवार के दिन लेकर आइए। उसके बाद आप पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करने के लिए यदि नहीं है तो केवल पीले रंग का कोई एक कपड़ा जिसे आप ओढ़ कर बैठेंगे। पूजा के समय हल्दी की माला आपको चाहिए, जो आप जाप करेंगे मंत्र, उसके लिए दूसरा गाय का घी, गाय का घी नहीं है तो सरसों का तेल भी चलेगा। जी हां बंधुओं, अब यहां तक आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको माता की फोटो अपने पूजा घर में स्थापित करनी है और माता रानी को जल समर्पित करना है,
उसके बाद पुष्प समर्पित करना है और उसके बाद रंग का प्रसाद है भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करना है। फिर उसके बाद आप धूप दीप वगैरह जो भी चाहे सारी क्रियाएं कर सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ करिए। और उसके बाद आप जो भोजपत्र लेकर आए हैं उस भोजपत्र पर 3 बार या फिर 6 बार 3 बार आगे की तरफ और 3 बार पीछे की तरफ अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम से माता बगलामुखी का यह स्तंभन मंत्र है, इसे लिख लीजिए। अब यह मंत्र कौन सा है मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कील बुद्धि विनाशय हलीम ओम स्वाहा मंत्र। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कील बुद्धि विनाशय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको उस भोजपत्र पर लिखना है 3 बार आगे और 3 बार पीछे छोटे छोटे रो में लिखना है। उसके बाद आपको यह भोजपत्र का टुकड़ा माता रानी को समर्पित कर देना है यानी उनके चरणों में रख देना है। अब आपको इसी मंत्र का एक माला जाप करना है और जाप आप हल्दी की माला से ही करेंगे और गोमुखी में छुपाकर यानी एक जो थैली टाइप की होती है उसके अंदर छुपाकर करेंगे, दिखाएंगे नहीं। इस जाप को करते समय आपके सिर पर कपड़ा होना बहुत अधिक आवश्यक है, पवित्रता का विशेष ख्याल रखें। और यह क्रिया रात्रि के समय ही होती है, दिन में नहीं होती है। अब यह क्रिया आप 3 दिन तक लगातार करेंगे और 3 दिन तक लगातार यह भोजपत्र माता रानी के चरणों में रहेगा। इसके बाद आप 3 दिन के बाद रात्रि में जब आप सोने जाएं उस समय इस भोजपत्र के टुकड़े को उठा लें। यह क्रिया आपकी लगातार 11 दिनों तक चलेगी, तो 3 दिन के बाद आप इस भोजपत्र को उठाएं और रात्रि को सोते समय इसे अपनी तकिए के नीचे रखकर सोएं और माता रानी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हम आपकी साधना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है उसे काट दें और अपने किसी न किसी आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से हमें दर्शन दें या अपने आसपास होने का हमें एहसास कराएं। स्वप्न के माध्यम से इस तरीके की आप प्रार्थना करेंगे और इस भोजपत्र के टुकड़े को अपने सिर ने रखकर सोएंगे। हो सकता है पहली रात्रि में कुछ भी ना हो, दूसरी रात्रि में कुछ ना हो, लेकिन आप प्रतिदिन यही करेंगे। सुबह जब आप सोकर जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को पुनः माता रानी के चरणों में रख देंगे। रात्रि में आप माता रानी की पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को फिर से अपनी तकिए के नीचे रखेंगे। याद रखें कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको सीधे जाकर सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी बिना मतलब के विचार अपने दिमाग में लेकर नहीं आने हैं, केवल माता रानी की तस्वीर को उनके स्वरूप का ही ख्याल करते रहना है, उनके बारे में सोचते रहना है और रात्रि को सोते समय यही प्रार्थना फिर से करनी है और सो जाना है। 3 या 4 दिन के अंदर माता रानी आपको किसी ना किसी रूप में जरूर एहसास कराएंगे, या तो स्वयं उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा या फिर आंशिक दर्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार से मंदिर का आपको किसी प्रकार का दर्शन हो सकता है, मंदिर का शिखर आपको दिखेगा, प्रांगण आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि माता रानी की शक्ति अब आपके आसपास आ चुकी है। 11 दिन तक प्रतिदिन यह क्रिया आप करेंगे, बीच में बिल्कुल भी इस क्रिया को खंडित नहीं होने देना है। और दूसरी बात कि यह मन मंत्र सिद्ध मंत्र है, हमने बहुत मेहनत की है इस मंत्र के ऊपर, तो आप इस मंत्र का सम्मान करें, इसे यूं ही किसी को ना दें, किसी को इसके बारे में ना बताएं, इसकी गुप्त स्थिति को बनाकर रखें, प्रचार ना करें इस क्रिया के बारे में। और यदि आपसे यह साधना नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, परंतु इस साधना को भूल कर भी खंडित ना होने दें, खंडित हो जाएगी। साधना तो आपके साथ साथ हमें भी माता रानी का क्रोध सहना पड़ सकता है, माता रानी हमसे नाराज हो सकती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी साधना खंडित हो, किसी भी प्रकार से हमें परेशानी आए। हम तो केवल आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए यह विशेष साधना आपको दे रहे हैं, तो जरा इन सब बातों का यानी कि विषय की गंभीरता को अवश्य समझ लेना, अगर आप संभाल सके तो ही इसे करना। अब जब 11 दिन में आपको पूर्ण रूप से माता रानी का आभास हो जाएगा, उनका आपके आसपास होना आपको खुद महसूस होगा,
तब 11 दिन के बाद आप इस भोजपत्र के कागज को प्रतिदिन अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। इसे यूं ही जेब में ना रखें, कोई पीले रंग का एक और कागज लें और उस कागज में इसे फोल्ड करके रखें और उसके बाद इसे अपनी जेब में रखें और जब वापस आए तो फिर से माता रानी के चरणों में रख दें और फिर रात्रि को आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल माता रानी की प्रामाणिकता चाहिए कि आप अब आ चुकी हैं, इस बात का प्रमाण है। बस अब प्रतिदिन आप इस कागज को अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, माता रानी के मंत्र का ख्याल करते रहेंगे। आप चाहे तो साधना और आगे बढ़ा सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना 11 दिन की होती है, 33 दिन की होती है, 63 दिन की होती है, 93 दिन की होती है, जितने दिन चाहे आप कर सकते हैं, 99 दिन की होती है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाए, आप साधना करते जाएं, एक ही माला की तो बात है, जरा सी मेहनत है बस, लेकिन जीवन भर के लिए माता रानी का साथ आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होता रहेगा। हजारों लोग ऐसे हैं जो माता रानी की साधना हमारे कहने से किए और उनके जीवन में ऐसे विचित्र और अनोखे अनुभव उन्हें हुए कि वे माता रानी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और हमारा भी आभार मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुरु शिष्य परंपरा का आभार तो रहता ही रहता है। ठीक है बंधुओं, अब जो ज्ञान की बात हमने देनी थी आपको दे दी है, साधना देनी थी हमने आपको दे दी है। अब इस साधना से जुड़े कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी किसी भी प्रकार का विचार हो, आप हमसे कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।